कि एक सभा को आयोजित करने में कितनी कठिनाई होती है। बारिश का भी मौसम है, गर्मी भी है, फिर कांवड़ यात्रा का दौर था। तमाम कठिन परिस्थितियों में भी पूरे हरियाणा के अंदर 45 जनसभाएं हो रही हैं। 45 जनसभाएं, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं करनाल गया, जींद गया, हिसार गया, आपके बीच में आया, पानीपत में गया, जहां जहां सभाओं में जा रहा हूं, जनता एक ही बात कहती है, सारी पार्टियों को हमने देख लिया, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, चौटाला को भी देखा, इस बार केजरीवाल को देखना है, आम आदमी पार्टी को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि तीन बार दिल्ली की जनता ने आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को चुना। अरविंद केजरीवाल कौन है? आपके इसी हरियाणा का लाल, जिसने देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान से, आईआईटी से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, और आपको मालूम होगा अरविंद केजरीवाल का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। जन्माष्टमी के दिन दुष्टों का नाश करने के लिए अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। अब वो अरविंद केजरीवाल जो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, अपनी नौकरी को लात मार के झुग्गी बस्तियों में रहते हैं मेरे दोस्तों, वहां के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पूरे देश में खड़ा करते हैं, फिर एक राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है, आम आदमी पार्टी। और आपको जानकर हैरानी होगी, पहले चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराकर अरविंद केजरीवाल ने 2013 में आम आदमी पार्टी का परचम दिल्ली के अंदर लहराने का काम किया। मुझे याद है हरियाणा के भी कार्यकर्ता वहां पर गए थे, पंजाब से भी गए थे, उत्तर प्रदेश से भी गए थे। एक नए बदलाव की राजनीति की शुरुआत हुई थी 2013 में। फिर कुचक्र रच के हमारी उस सरकार को चलने नहीं दिया गया। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। जो लोग आज कुछ केजरीवाल के बारे में उल्टी सीधे बातें करते हैं, मैं उन भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी को 49 दिन में लात मार के कहा, हम सत्ता के लिए नहीं जनता के लिए आए हैं। ये अरविंद केजरीवाल। 2015 का चुनाव चल रहा था साथियों और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा भी जीत गए थे, महाराष्ट्र जीत गए थे, झारखंड में जीत गए थे। अहंकार से इतना लबरेज थे नरेंद्र मोदी जी, रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे, केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, मैं बड़ा नसीब वाला हूं, देश का प्रधानमंत्री हूं, मुझे वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने कहा, नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र के असली मालिक हम हैं, नसीब हम लिखते हैं, केजरीवाल को 67 सीट देके विधानसभा में भेजा और नरेंद्र मोदी को 3 सीट देके मेरे दोस्तों स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। स्कूटर पार्टी क्या है? एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठो और विधानसभा चले जाओ। भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाने का काम दिल्ली की जनता ने किया। इतना बेहतरीन और अच्छा काम किया कि 2017 में 22 सीटें हमारे पंजाब में आई, 4 हमारे लोकसभा के सांसद 2014 में जीते, और 2022 के अंदर
केजरीवाल के दिल्ली का करिश्मा पंजाब पहुंचा और पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, 92 सीटें। क्यों वोट दिया पंजाब के लोगों ने? बिजली के लिए वोट दिया, पानी के लिए वोट दिया, शिक्षा के लिए वोट दिया, इलाज के लिए वोट दिया, सिंचाई के लिए वोट दिया। और पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने 43,000 सरकारी नौकरियां दी, न कोई पेपर लीक न कोई भ्रष्टाचार। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के बगैर 43,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम। दिन में बिजली मिलती है किसानों को, सिंचाई के लिए 40 साल के बाद वहां की नहरों में पानी आया, जाके देख लेना। और केजरीवाल ने दिल्ली में क्या काम किया? केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री देने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया, पानी फ्री देने का काम किया, शिक्षा फ्री देने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवा मुफ्त मिलती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। फरिश्ते स्कीम लेके आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा दिल्ली की सड़क पर अगर देश के किसी हिस्से के नागरिक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको छोड़ के भागना मत, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठाना, अस्पताल पहुंचाना। पहुंचाने का भी 2,000 हम देंगे, 50 लाख भी इलाज में खर्च हुआ तो हम देंगे। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क फ्री करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, वहां के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए गए तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों, बच्चे चार पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। केजरीवाल ने कहा अगर अमीर का बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकता है तो गरीब के बच्चे के लिए भी वही सुविधा होनी चाहिए। आज दिल्ली में गरीबों के बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूलों में। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिन्दुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा चलिए गुजरात का स्कूल दिखा दे, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे उत्तर प्रदेश का स्कूल दिखा दे, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है वहां का स्कूल दिखा दे, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा दिल्ली के करीब है चलो दिखा दे वहां का सरकारी स्कूल, उसने कहा देखना नहीं। तो बोले देखना क्या है? तो ट्रंप की पत्नी ने कहा हमको केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। दिल्ली आपसे ज्यादा दूर नहीं है, जाके देखिए कैसे सरकारी स्कूल हमने बनाए दिल्ली के अंदर। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। इतना सारा काम करने के बाद अभी एक और घोषणा केजरीवाल जी ने कहा महिलाओं के लिए 1-1,000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी, वो भी विधानसभा में पास कर दी। और ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे आपके बेटे को, ऐसे आपके हरियाणा के लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुनाह है केजरीवाल का? ये कि वो अच्छी शिक्षा देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं, पानी फ्री देते हैं, ये गुनाह है? आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैंने कहा भाजपाइयों हम लोगों को 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं है, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों एक काला कानून आ रहा था किसानों के खिलाफ, हमारे साथी सुशील गुप्ता जी और हम संसद में थे, तब देश में कोई किसानों का आंदोलन शुरू नहीं हुआ,
हमने सुशील गुप्ता जी से कहा इस बिल का विरोध करना है, बिल्कुल गलत है, किसानों के लिए उनके साथ धोखा हो जाए। भाजपा के लोग नहीं माने, हमने संसद के अंदर संघर्ष किया, टेबल पे चढ़ गया। जब ये बिल पढ़ने जा रहे थे मैंने पकड़ के उनका माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, हम यहां पे चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए। मुझे सस्पेंड कर दिया, कई दिनों तक संसद के बाहर में बैठा रहा। लेकिन देश के अन्नदाताओं के लिए लड़ाई हमने लड़ी साथ में, सड़क पर भी लड़ी, संसद में भी लड़ी। लेकिन क्या किया बीजेपी के लोगों ने आपके साथ, जो आपका वोट लेते हैं, कहते हैं एमएसपी देंगे, फसल का दाम देंगे, उन लोगों ने आपके ऊपर गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, सड़क पे तारे बिछाई, कीले गाड़ी। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। मैं हरियाणा के किसानों से कहने के लिए आया हूं, उन 750 किसानों की आत्मा आपको पुकार रही है, इस बार चुनाव बीजेपी वालों की जमानत जब्त करा देना और उसका बदला ले लेना। हरियाणा का नौजवान सुबह उठता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, व्यायामशाला में जाता है, अपने शरीर को तैयार करता है, 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है। क्यों दौड़ लगाता है? कि भारत माता के लिए अपनी सेवा दूंगा, देश की रक्षा के लिए अपनी सेवा दूंगा, जरूरत पड़ी तो अपना सर्वोच्च बलिदान दूंगा, अपनी कुर्बानी दूंगा। हरियाणा के गांव गांव में चले जाओ, गांव के बाहर आपको गेट मिलेगा, किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होगा। गांव के लोग फख्र से कहते हैं मेरा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, मेरा बेटा चीन से लड़ते हुए शहीद हुआ, मेरा बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी की योजना है, भारत के सेना के साथ गद्दारी की योजना है। जिसने आपके नौजवानों के पीठ में छुरा मारा है, उनको इस बार चुनाव में हराने का काम आपको करना है। बताओ तैयार हो आप लोग? यह अग्निवीर योजना, मैंने प्रधानमंत्री का एक बयान सुना, बहुत ही शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री ने कहा यह अग्निवीर योजना भारत की सेना को युवा बनाने की योजना है। मैंने कहा वाह प्रधानमंत्री जी, हमारी जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराया, जिस भारत की सेना ने चीन से युद्ध लड़ा, भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, भारत की जिस सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, हमारी वो सेना युवा भी थी, बहादुर भी थी, वीर भी थी, पराक्रमी भी थी। सेना की वीरता पे सवाल मत उठाओ प्रधानमंत्री जी। अगर सेना को युवा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री युवा बनाओ। तुमको 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा के नौजवान को कहते हो 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा, हथियार की ट्रेनिंग लेके आएगा 21 साल का नौजवान, और घर में बेरोजगारी के कारण बैठा रहेगा, किस तरफ जाएगा? मेरे मित्रों जरा बताओ, क्या काम करेगा वो, जरा बताओ, जरा सोचो। आज किस हालत में पहुंचा दिया हरियाणा को। रास्ते में आ रहा था, टूटी हुई सड़कें देखी। हमारे साथियों ने भी बताया आपको, 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया इन लोगों ने। स्कूल बंद करते हो, अस्पताल बंद करते हो, सड़कों का पैसा खा जाते हो। हरियाणा के लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं, भाजपा वाले सड़क खा जाते हैं, स्कूल खा जाते हैं, अस्पताल खा जाते हैं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट खा जाते हैं, सब डकार जाते हैं।
13,000 स्कूल खा गया, 13,000 स्कूल खा गए। अरे सब कुछ छोड़ो, सुशील गुप्ता जी को मालूम है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया था। ढांडा साहब याद है आपको क्या किया इन बेईमानों ने? इन्होंने तो प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि के नाम पर भाजपाइयों ने खरीदा। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मैंने खोल के दिखाया था, 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने का काम किया, उनको अयोध्या में प्रभु श्री राम ने हराया, हरियाणा में आप लोग हरा देगा, हरियाणा में आप हरा देगा। क्योंकि हमारे यहां लोग कहते हैं कोई भी गुनाह कर दो माफ कर देंगे, लेकिन मंदिर का चंदा जो चोरी करेगा उसमें बेईमानी करेगा उसको तो गांव वाले माफ नहीं करते, गांव से उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। इस बार इनको भाजपाइयों को निकाल के बाहर कर देना। इनके पास आपके बच्चों के लिए कोई योजना नहीं, शिक्षा की कोई योजना नहीं, इलाज की कोई योजना नहीं। केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है, हर युवा को रोजगार, माताओं बहनों के लिए 1,000 रूपये प्रतिमाह, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, हरियाणा को विकास और तरक्की के रास्ते पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही ले जा सकते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं, आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं एलएसपी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं सेना की पुरानी भर्ती बहाल कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं नौजवानों को रोजगार दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ा दिया, इसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। मेरे दोस्तों, आपके टैक्स का पैसा कहां गया? क्या आपको पता है आपका पैसा कहां गया? 16,00,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है, 16,00,000 करोड़ रुपए। 0 लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा उन बेईमानों का माफ। किसान का कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं। अरे खाद की बोरी, यूरिया की बोरी में से 10 किलो यूरिया चुरा ली भाजपाइयों ने। पहले 50 की आती थी, अब 40 की आती है, नहीं आती बताओ महेंद्र जी, गलत तो नहीं कह रहा? 10 किलो यूरिया चुरा ली उसमें से। ये बहुत बड़े चोर हैं। मैंने अब तक सुना था कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। अरे ये भाजपा वाले पार्टी चोर हैं, पार्टी चोर। ये उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली उन्होंने, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, पंजाब में गए थे झाड़ू चुराने, झाड़ू मार मार के उनको भगाने का काम किया, दिल्ली में झाड़ू चुराने आए थे इनको मार के भगाया। इसलिए इनका इलाज कर देना। और इलाज के लिए क्या चाहिए? हमारा चुनाव निशान क्या है पीछे तक हाथ उठा के बताना, क्या चुनाव निशान है हमारा? गांव की सफाई के लिए क्या चाहिए? शहर की सफाई के लिए क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई के लिए क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। भाजपाइयों के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो गया है, वो भूत इस बार के चुनाव में झाड़ू मार मार के, मार मार के, मार मार के आपको उतारने का काम कर रहा है। बताओ इसके लिए तैयार हो आप लोग? तैयार है सारे लोग? इनका भूत उतारना है साथियों और दोस्तों। इन्होंने देश को खोखला करने का काम किया। अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आपके ऊपर अगर 2.5 लाख का कर्जा होता है, तहसीलदार कालर पकड़ के हवालात में बंद कर देता है। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। आपके बैंकों का पैसा लूट लूट के मोदी जी और उनके दोस्तों ने इस देश को खोखला करने का काम किया है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं,
ये विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, चौटाला को भी मौका दिया, एक बार मौका आम आदमी पार्टी और झाड़ू वालों को दीजिए। दिल्ली में हमारी सरकार 3 बार से, पंजाब में हमारी सरकार, ये बीच में हरियाणा है, ये हरियाणा भी इस बार जिता देना और एक बड़ा बदलाव हरियाणा के अंदर हम लोगों को करना है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा के अंदर करना है। जो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं, पंजाब में चल रही हैं, वो योजनाएं हरियाणा के अंदर भी चलेंगी। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, अपने भाईचारे को, अपनी इंसानियत को, अपनी मानवता को, अपनी आदमियत को हमें बचा के रखना है। भाजपाइयों से भाईचारे को खतरा है, हमारी एकता और एकजुटता को खतरा है। बीजेपी का नाम हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया है। झगड़ा कराने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।